दोस्तों, आपके फ़ोन में जो लॉन्चर मिलता है वो डिफ़ॉल्ट लॉन्चर पोको लॉन्चर मिलता है। और जैसे आपको पता है दोस्तों, पोको लॉन्चर में कोई एनिमेशन वगैरह देखने को नहीं मिलता है। ना दोस्तों, जैसा कि हमें मियो 13 में जो अपडेट देखने को मिलने वाला है, मियो 13 जो सिस्टम लॉन्चर दोस्तों, उसमें जो देखने को मिला दोस्तों, वो हमारे पोको लॉन्चर को सपोर्ट नहीं करता है। और दोस्तों, हम लोग उन डिवाइसेज में जिनमें हमें बाई डिफ़ॉल्ट पोको लॉन्चर मिलता है दोस्तों, हम उनमें इस मियो लॉन्चर को इंस्टॉल करते हैं दोस्तों, तो ये हमारे फ़ोन में इंस्टॉल भी नहीं होता है। पर दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आपके फ़ोन में पोको लॉन्चर है तो कैसे हम इसमें मियो के सिस्टम को इनेबल कर सकते हैं। सो गाइस, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा। सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को दे दूंगा। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपको एक फाइल का लिंक दे रखा है, वही वाली फाइल लिंक मिलता है मी वाई होम लॉन्चर प्रो मी वाई जिप। इसे दोस्तों हम लोग फ्लैश करेंगे मैजिक से। यानी दोस्तों, अगर आपका फ़ोन रूट है तो आप लोग इस वाले फाइल को फ्लैश कर सकते हैं। सिंपली दोस्तों, आप लोगों को मैं इस वाले एप्लीकेशन ओपन करना है, मॉडल्स में जाना है, इंटरनेट स्टोर में जाना है, जहाँ पर आप लोगों ने फाइल को सेव किए होंगे आप लोग उस फाइल को चूज़ करना। मैंने ये वाले फाइल को यहाँ पर डाउनलोड किया, चूज़ करते दोस्तों, और फिर उसे हम लोग अपने फ़ोन को यहाँ से रिबूट करेंगे। थोड़ी देर में हमारे फ़ोन में दोस्तों ये जिप फाइल जो है, मेरी फाइल फ्लैश हो जाएगा, हम लोग यहाँ से रिबूट कर देते हैं। तो दोस्तों, मेरी फाइल को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने के लिए आपकी डिवाइस जो है रूटेड होना चाहिए। तो अपने डिवाइस की बूट लूटो कैसे अनलॉक करते हैं, कस्टमर करके कैसे इंस्टॉल करते हैं, फिर कैसे अपने डिवाइस को कैसे रूट करते हैं दोस्तों, उसके ऊपर मैंने बहुत सी वीडियो बना रखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देख सकते हैं पोको डिवाइसेज है, तो पोको डिवाइसेज हमें पोको से मिलता है और हम लोग मियो के सिस्टम जो है इनेबल नहीं कर सकते हैं। पर दोस्तों, मैंने यहाँ पर आपको जो गाइड बताया उसके मदद से आप लोग अपने फ़ोन में मियो के सिस्टम को इनेबल कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर इनेबल कर रखा हूँ, हमारा फ़ोन अभी बूट होगा, मैं आपको दिखा दूंगा सेटिंग आने के बाद दोस्तों, और जो सभी फीचर्स है मियो के सिस्टम के दोस्तों, वो हमारे फ़ोन में देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, देख सकते हैं फ़ोन हमारा यहाँ पर बूट हो चुका है। बूट होने के बाद दोस्तों, हम लोग जाते हैं फ़ोन की सेटिंग में, लॉन्चर की सेटिंग दोस्तों जाएंगे। हम लोग यहाँ पर जो डिफॉल्ट लॉन्चर है दोस्तों, हम लोग यहाँ पर पोको लॉन्चर को रिमूव करके यहाँ पर मियो के सिस्टम जो यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। देख सकते हैं हमें यहाँ पर अभी पोको लॉन्चर मिल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर होम स्क्रीन आने के बाद वहाँ पर लॉन्चर की सेटिंग को चेंज कर देंगे। और उसके बाद लॉन्चर सेटिंग को चेंज करने के बाद, होम स्क्रीन आने के बाद जो हम जब मियो के सिस्टम लॉन्चर को सेटिंग करेंगे दोस्तों, तो सारे ऑप्शन है, जो सारे फीचर है दोस्तों, हमें मियो 13 के सिस्टम लॉन्चर में देखने को मिल जाता है। तो सब कुछ दोस्तों यहाँ पर सेटिंग वगैरह कर सकते हैं, ऐप ड्राइवर को जैसे वगैरह दोस्तों यहाँ पर सेट कर सकते हैं, आइकन साइकिल दोस्तों छोटे बड़े यहाँ पर कर सकते हैं। इसका दोस्तों हम लोग होम पे जाते हैं, तो होम पे जाने के बाद दोस्तों जब हम पिंच करेंगे, तो पिंच करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर देख सकते हैं मियो 13 की लुक एंड फील यहाँ पर देखने को मिल जाता है। विजिट सेटिंग और वॉलपेपर दोस्तों सपोर्ट देखने को मिल जाता है। और दोस्तों जब जाते हैं विजिट में, तो विजिट में दोस्तों हमें मियो 13 वाली विजिट्स देखने को मिल जाता है। जो मियो 13 में डायनेमिक विजिट दोस्तों देखने को मिलता है दोस्तों, वो देखने को मिल जाता है। और दोस्तों फाइनली, इस तरह से हम लोग अपने किसी भी पोको डिवाइसेस में मियो के 13 की सिस्टम जो यहाँ पर इनेबल कर सकते हैं। और जो सारे फंक्शन दोस्तों हमारे फोन में काम करता है वो दिख जाता है। एनिमेशन वगैरह दोस्तों देखने को मिल जाता है, ऐप ओपनिंग दोस्तों, ऐप क्लोजिंग, एनिमेशन वगैरह देखने को मिल जाता है दोस्तों। सब कुछ हमारे फ़ोन में काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। तो मैं यहाँ पर पोको X3 में दोस्तों इसे इनेबल कर रखा हूँ। आपके पास कोई भी शॉमी की डिवाइस है जिसमें आप लोगों को पोको लॉन्चर देखने को मिलता है बाई डिफॉल्ट, उसमें दोस्तों आप लोग मियो के 13 की सिस्टम लॉन्चर को इनेबल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ शो योर सपोर्ट, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बिल को ऑन करके, और दोस्तों कमेंट में जरूर करिएगा आप लोगों को क्या अच्छा लगा है और दोस्तों हम लोग क्या इंप्रूवमेंट करना है।